इस बॉक्स को मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट में आप देख सकते हो कि ये अच्छी पैकिंग के साथ आया है। और इसके अंदर क्या है आओ देखते हैं, सरप्राइज है। एंजॉय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आया हूँ। ये फ्लिपकार्ट का एक पार्सल आया मेरे पास, और इसके अंदर है एक, अगर आपको पता हो तो, क्लोथ ड्राइंग स्टैंड। सो लेट्स सी कि इसको अनबॉक्स करते हैं और असेंबल करते हैं कि क्या होता है। तो पहले तो इसको काटना होगा। काफी मोटा ये है क्योंकि मेटल है इसके अंदर, तो आई थिंक इसीलिए। वैसे आई एम अगेंस्ट दिस कार्डबोर्ड बॉक्सिंग थिंग बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉजिंग एनवायरमेंट अ बिग डील। इसको साइड पर रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। भैया वाह, काफी मोटा थिक कार्डबोर्ड है, जैसे कि आप देख रहे हो इतना मोटा कार्डबोर्ड है, मैंने कभी नहीं देखा इतना मोटा कार्डबोर्ड। तो एनीवेज ओके, ये ऐसा दिखाई देगा आपको, अगर आपको दिख रहा है तो। ये खुद असेंबल करना है, ये इंस्ट्रक्शन है इसमें। ओके, इंस्ट्रक्शन जो आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि दो, मैं आपके सामने, सबसे पहले बोला है कि इन दोनों को जोड़ना है, जो कि बेस है इसका, बेस। ओके, मेरे पास वायरलेस माइक नहीं है तो इसलिए मैंने माइक वहीं पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से अगर आपको कम सुनाई दे रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी इसके पीसेस क्या कैसे हैं। ये रॉड्स हैं, ये है, ये दो पीस हैं इसके। ओके, ये भी दो और पीस है मशीन में। ओके, ये चार पीस हो गए। ये आई थिंक बाद का है इसका। ओके, ये भी बाद में लगेगा। सबसे पहले इन्होंने बोला इसको जोड़ने के लिए, ये जो दोस्त है, ये बेस है इसका, तो इसको ऐसे करके जुड़ेगा। ये इसमें अंदर टायर लगे हुए हैं, ज्यादा मजबूत लग नहीं रहे मेरे को, लेकिन आई थिंक कपड़े सुखाने के लिए इतना मजबूत तो काफी है। इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे फ्लिपकार्ट पे, इसलिए मैंने ये मंगाया है। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने पहले इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना है, ये दोनों पार्ट जो यहाँ दिखाए हुए हैं, पर इसकी रॉड ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो है, ये तो इनकी रॉड हो नहीं सकती है, इनको रख लेते साइड में क्योंकि ये है इनके बीच के हैंडल। ओके, काफी सारे हैं यार। तो कितने पीसेज हैं ये, दो दो चार दो छः, छः पीस ये हैं, रॉड्स हैं ये भी करीब तीन तीन छः, और तीन तीन छः और दो आठ, आठ दिख रही हैं इसमें। दो मोटी रॉड दिख रही हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो, स्टेपलर लगाया हुआ, आ तो स्टेपलर लगाया हुआ। स्टेपलर इज नॉट ए गुड आइडिया क्योंकि ये हाथ में लग सकता है। आजकल लोग, अरे हिंदी नहीं लगी, आजकल लोग फूड की डिलीवरी पे भी स्टेपल लगा देते हैं, तो विच इज अ वेरी बैड आइडिया बिकॉज कि फूड के अंदर अगर वो गिर जाए और आप खा लो उसको, तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकते हैं इंटरनली। तो एनीवेज ये है, इसको हम टाइम में रख देते हैं। तो ये रॉड्स हैं, ये दो मोटी हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, ये बड़ी और मोटी रॉड है, ये शायद लगेंगी इसमें, पर फिर भी मैं पहले पूरा सब कुछ खोल के देख लूँ। ये रॉड्स हैं, तो दो हैं ये मोटी, पे इसको अलग कर लेते हैं और बाकी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा ये, इसके ऊपर ये दो ऐसे लगेंगी, चार ऐसे लगेंगी। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पहले दो ऐसे जोड़नी है, इसके ऊपर चार ऐसे लगेंगी, तो इसके ऊपर ये दो हैं लगे हुए, इनके ऊपर दो और लगेंगी, तो देखते हैं क्या होता है। भैया ये भी मोटी मोटी रॉड्स हैं, इसके पीछे क्या है, पीछे भी कुछ लिखा हुआ है,
द नेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है, इफ क्वेरी है तो इस पे कॉल कर सकते हो आप। और आर गोल इज टू कीप आर कस्टमर्स बियॉन्ड सेटिस्फाइड। बियॉन्ड सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है पता नहीं, सेटिस्फाइड ही कर दो वही काफी है आज की डेट में। ये रॉड्स हैं, अब ये रॉड शायद एक जैसी सारी हैं तो इनको शायद मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि आई होप आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट्स हैं इसके, और ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये कुछ तो टूट गया इसके लिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, ये लगता है इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं लग रहा, तो ये शायद एक एक्स्ट्रा आ गया है, पर देखते हैं क्या पता है इसका भी कुछ हो उपयोग अगर एक और मिले तो, क्योंकि सिंगल में तो नहीं रखते हैं। तो ये है, अब बॉक्स को अलग कर देते हैं पहले, हम इनको भी निकाल के, ये इसको भी साइड में रखते हैं पहले, और ये स्क्रू दिए हुए हैं, और कुछ है इसके अंदर, ये देखो ये छोटा सा पार्ट प्लास्टिक का, तो आई थिंक इसमें से तो कोई टूटा हुआ नहीं है जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, तो ये शायद ये किसी और किसी चीज़ का पार्ट आ गया इसके साथ, विच इज़ अ वेरी गुड बैड थिंग, क्योंकि ये अगर एक्स्ट्रा आ सकता है तो पैकिंग में इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको अब साइड कर देते हैं। अब हमारे पास रहेंगी ये इंस्ट्रक्शन जो कि आपको भी दिख रही होगी शायद, और अब देखते हैं ये कैसे जुड़ेगा, इसके अंदर रॉड कौन सी है इसमें बता देते तो थोड़ा बेटर रहता। तो ये बड़ी वाली रॉड है, तो ये तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दोनों साइज सेम है, तो आई थिंक ये इनके अंदर लगेंगी, क्योंकि ये दो चार दो छः पार्ट है, और ये दो चार दो छः हैं, तो ये इसके साथ लगेंगी, इनको भी साइड में रख देते हैं। सबसे पहले शायद ये लग गई हैं इसमें, ठीक है जी, और छोटे छोटी कहाँ लगेंगी ये नहीं पता, ये वाली रोड कहाँ लगेंगी ये नहीं पता, बट एनीवेज चलो अगर कुछ होता है देखते हैं, पर ये इसमें लगने वाली लग नहीं रही, ये बहुत छोटी है, तो आई थिंक ये भी सुखाने के लिए है। ये अगेन इसमें भी स्टेपलर है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, अगेन लग सकता है किसी को भी, टेप का यूज़ कर सकते थे ये लोग क्योंकि टेप बेटर रहती है, टेप लगती नहीं है, चोट नहीं लगती है, तो आई थिंक ये लगेंगी, ये बड़ी और मोटी लग रही है, इसमें आवाज़ आ रही है इसमें से, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है, तो ये दो रोड इसमें से मैं इसमें लगा देता हूँ, हाँ ये इसमें फिट होगी, ओहो पहले इन्होंने बोला था कि ये नीचे वाला लगा, सॉरी पहली इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पहले वाला जो है वो इधर जानी थी साइड, और मैंने लगा दिया गलती से, ये लगेंगे हम, तो ये बड़ा सही आजकल ऐसा आ गया है, प्लास्टिक और इनमें असेंबल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। मैंने ये बॉक्सिंग का अनबॉक्सिंग का वीडियो एक बार पहले भी बनाया था, जब मैंने अपनी बेटे के लिए वो ली थी फीडिंग चेयर आइकिया से, पहला प्रोडक्ट मंगाया था, इंडिया में भी आइकिया आ गया है, ये अच्छी बात है क्योंकि आइकिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो ये लग गया है, इसको हम साइड में रखते हैं अभी, ओके सही है। अब इसके अंदर लगेंगी ये दो रॉड, तो ये पहले लगा लेते हैं, ये थोड़ा टाइट है सर, कहीं से छोटा पतला तो नहीं है ना, ज़्यादा अच्छे से लग नहीं रही हैं ये, लेकिन आई थिंक इनके ऊपर वाला जो पार्ट लगेगा तो शायद ये हो जाएंगे सेट, फिर भी लगा देते हैं, इसमें चार रोड लगा दिए मैंने, अभी इनको साइड में कर देते हैं, इसके अलावा हमारे पास दो चार दो छः रोड और हैं, और दो ये आठ ये बची हैं, और दो लगा दिए हैं, ये स्क्रू बाद में देखेंगे शायद इनको जोड़ने के लिए होगा। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने ये दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और अब ये लगेगा इस पे, ये जो प्लास्टिक के पार्ट हैं ये लगेंगे इसमें, तो ये चीज़ देखते हैं कैसे लगेगा, पहले मैं कर देता हूँ इसको, ओके ये अच्छे से लग गया है क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है तो आराम से जा रहा है इसमें,
ओके, इसमें एक छोटी सी चीज लिखी हुई है अगर आपको दिख रहा हो, यूज हैमर फॉर परफेक्ट फिटिंग। तो आई थिंक वो मेरे से मिस हो गया, तो मैं हैमर लेके आता हूँ। हाँ ये हो गया बात, अब फिट हो गया, क्योंकि यू कैन फील इट ना कि जब अंदर ऐसे जा रहा हूँ, गलत वे में ना ले लेना कुछ बात। ओके रिपोर्ट ये भी हो गया है, अगेन इसमें भी स्टेपल है, हर एक में स्टेपल। अब देखो ये स्टेपलर गायब। हाँ ये चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि ये बहुत बेकार चीज़ होती है, अगर ये कहीं पे हो जाए तो इसको इसलिए सेपरेटली निकाल कर रख लेते हैं। ये मुंबई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत आती रहती है, तो क्या होता है कि कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे को ये काम करने में बड़ा मजा आता है एक्चुअली, ये ऐसे ऐसे काम मैं बचपन में बहुत कुछ करता रहता था, काफी चीजें तो खराब भी करी है मैंने घर में अपनी, बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी। जैसे इसका एक और था ये रहा, तो ये बेटर तरीका है। ये साला इंस्ट्रक्शन में क्या क्या बता रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक पहले इनको ये बताना चाहिए कि ये जोड़ के रखो, ये बेटर तरीका है। ये देखो ये भी लग जाएगा आराम से। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि कौन से इक्विपमेंट आपने यूज करने हैं इसको असेंबल करने के लिए। अदरवाइज मैं हाथ से ही कुछ करता रहता तो फिर मैं इसको बेकार रिव्यू देने का। तो जो लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते और फिर बाद में रोते हैं कि भाई प्रोडक्ट बेकार है, उनके लिए ये सीख है कि भाई पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो। जैसे कि हमने भी मिस कर दिया था एक पार्ट कि हैमर का यूज़ करो, तो मेरे को लगा ये प्लास्टिक है तो आराम से फिट जाएगा। ये हैमर से अच्छी तरह फिट। ओके रिपोर्ट, आई गेस एक और चीज़ रह गई है, क्योंकि ये मैंने हैमर से नहीं किया था। तो आपको दिख रहा है ये अब सही लगा है। देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, ये दो में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, कि ये देखो ये स्मूथ पार्ट है और ये होलो है, और यहाँ पे दोनों होलो। तो अब इसको भी साइड में कर देते हैं। मैंने एक्चुअली तीनों में सेम मिस्टेक करी है, देखो कितना कंसिस्टेंट हूँ मैं, कंसिस्टेंटली पागल बंदा हूँ मैं, तीनों में सेम मिस्टेक। प्लास्टिक तो बड़ा खतरनाक है ये सॉलिड, तो ये कोई इजी वो नहीं है, जैसे फोन वगैरह की अनबॉक्सिंग तो टेबल पे बैठ के की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, और आपको तो पता ही है जमीन की रियलिटी कितनी कड़वी होती है जी। मेरे को डर है कहीं ये तो असेंबल करते करते ही ना टूट जाए, पर इतना मजबूत लग रहा है ये कि ये हैमर का ले सकता है। लेकिन आई थिंक इस चीज़ के लिए ना एक अलग टाइप का हैमर आता है, ठीक है, वो तो है नहीं अभी मेरे पास।
चाहिए भी नहीं, वो ये इससे काम चल जाएगा। तो घर के इन्हीं कामों में मैं बिजी रहता हूँ अभी अभी। आई थिंक हार्ड पार्ट इज ओवर, अभी बस इसके अंदर हमने ये रॉड्स लगा लेनी है ऐसे करके। ऊपर वाला पार्ट मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा बाद में। ये अगेन स्मूथ पार्ट जो है वो ऊपर की साइड रखते हुए ये मैंने इसमें डाल दिया। क्या पता इसको फॉरवर्ड करना पड़े मेरे को, तो मेरी आवाज तो शायद आएगी नहीं, ये अपने आप ही सेट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ा सा शेगी है लेकिन काफी बड़ा है। आप देख रहे हो मेरी हाइट है 5'10" के आसपास। अब आपको सही समझ में आ रहा होगा कि ये देखो एग्जैक्ट मेरी हाइट के बराबर है, दिख रहा है क्या आपको? ये प्रोडक्ट बहुत मस्त है और ये इस पे काफी सारे कपड़े सूख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये मिडिल पार्ट की कैसे टांग के दे देता हूँ कि आपको हाइट में सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ सही दिख रहा है। तो अब हम ये वाला पार्ट लगाएंगे और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको देखिए क्लिप है इसके अंदर, ये पता नहीं किसके लिए है लेकिन शायद ये हैंगर वैंगर के लिए है या किसके लिए है? अगर आप लोगों को पता हो ये क्लिप किस लिए है यहाँ पे तो बताना मेरे को। और अब मैं आपको फिर से एक बार इसके लिए रंग करता हूँ क्योंकि ये भी ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर लगेगा यहाँ पे। इसको आप घुमा सकते हो ऐसे कहीं पे भी, ऐसे कैसे घुमा सकते हो, बढ़िया है। नॉर्मली ऐसे रखते हैं इसके लिए भी हैमर यूज कर सकते हैं अगर हैमर आपको। इसके लिए भी हैमर यूज कर सकते हैं, हैमर काम है हैमर। घूम सकता है बाद में ही घूम सकता है ऐसे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा पूरे पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिली है। अब हमारा हैमर का तो काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेंगे। इसके लिए हमारे को दिए हुए हैं स्क्रूज, ठीक है, और आई थिंक ये स्क्रू जो है उनको उसके लिए होगा पेचकस चाहिए। पेचकस का मतलब होता है क्या होता है, पेचकस को क्या बोलते हैं पता नहीं, स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं कैसे लगेगा। आई होप आपको दिख रहा हो यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है साला। एक बंदा अगर वीडियो बनाए ना तो बारी बारी में देख लेना पड़ता है कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ओके जी। इसके अंदर इस टाइप के स्क्रू दिए हुए हैं, ये वाले टाइप के स्क्रू हैं, ठीक है, और इसके एंड में ये भी है। इनको घूम नहीं करना रहता तो मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ सारों को निकाल के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके साथ ये लगते हैं ऐसे, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये इसके अंदर जाएंगे
दोबारा से दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जाएंगे ऐसे और बंद करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पार्ट क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसको देखते हैं नीचे, ये क्लिप ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन बुक का हम हिसाब किताब देख लेते हैं। क्लिप का इन्होंने दिखाया नहीं होगा कहाँ पे जाएगा ये, लेकिन ठीक है, एनीवेज इसको फर्क नहीं पड़ता शायद, ये क्लिप तो है ही। तो अब इसको मैं, तो आपको दिख रहा होगा ये जो है ये थोड़ा टाइट किया हुआ है इन्होंने ऐसे, तो इसके अंदर डालना पड़ेगा ये। जो बोल्टेड साइड है वो अंदर की साइड रखो ताकि आपको चोट ना लगे फ्यूचर में, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये देखो बहुत ही सही, बहुत आसान है ये, अच्छे से ये सेट हो गया। आई थिंक मेरे को पंखा ऑन कर लेना चाहिए, पसीना पसीना हो गया मैं। तो ये लग गया है यहाँ पे, पंखा ऑन कर लिया है। इधर क्यों नहीं आ रहा, ये इधर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों नहीं पहुंच रहा है इसको। एक्चुअली में
ये है अपना प्रोडक्ट। I don't trip. I do a random gravity check. वाह, सबसे बड़ा झूठ। बहुत ही एक नंबर प्रोडक्ट है। The Nestle कंपनी वालों को थैंक यू ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, और Flipkart की तरफ से मेरे को थैंक यू खरीदने के लिए, और मेरी तरफ से आपको थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।